यार ये पिद्दी सी चीज इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? ये देख रहे हो, ये इतनी छोटी सी चीज आपके कान के पर्दे ला सकती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए फ्रेंड, पहले इसका एम्पलीफायर बना लेते हैं, फिर इसकी वॉइस क्वालिटी सुना के मैं आपको दिखाता हूँ। और आपके कान के पर्दे नहीं हिले तब मुझे कहना। तो चलिए एम्पलीफायर बना लेते हैं, लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए बस हमें यही तीन कंपोनेंट चाहिए। तो चलिए मैं कंपोनेंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये मॉस्फेट चाहिएगा, और फ्रेंड इस मॉस्फेट का नंबर आप देख सकते हो, IRF Z44N इस मॉस्फेट का नंबर है। तो एक हमें ये मॉस्फेट चाहिएगा, उसके बाद 1 किलो ओम का हमें यहाँ पर रजिस्टर चाहिएगा, और उसके बाद एक कैपेसिटर हमें चाहिएगा। ये देखिए, इस कैपेसिटर की वैल्यू 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड है। आप फ्रेंड इससे कम पावर का भी कैपेसिटर ले सकते हो, जैसे 10 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड, इस तरह से भी आप ले सकते हो। तो मेरे पास यही था, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों, आखिर में हमें एक हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस हीट सिंक के ऊपर हम ये अपना कंपोनेंट लगाएंगे, तो इसमें जो भी हीटिंग पैदा होगी वो सारी इस हीट सिंक के थ्रू बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर को बना लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये जो आईसी आप मेरे हाथ में देख रहे हो Z44N, इसकी तीनों लैब को हम यहाँ पर इस तरीके से गैप कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। गैप करने से हम यहाँ पर आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने गैप कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लेना है। तो चलिए इस रजिस्टर को हम इस आईसी में यहाँ पर लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी दोनों लैग को इस तरह से काटना होगा। तो ये देखिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर काट दूंगा। ये देखिए, हमने काट दी है। अब इसकी दोनों लैग को हमें इस तरीके से मोड़ करके और यहाँ पर लगा देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, 1 किलो ओम का रजिस्टर मैंने इस आईसी में यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम इस आईसी में लगाएंगे। तो ये जो लाइन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये माइनस है, और बिना लाइन वाला हिस्सा इसका प्लस है। तो हम इसका प्लस वाला हिस्सा, यानी बिना लाइन वाला हिस्सा, इसकी आईसी की पहली लेग पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी लेग को मैं थोड़ा काट लेता हूँ इस तरीके से, और इसकी लेग को थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देते हैं। तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, इसका कैपेसिटर भी मैं लगा चुका हूं, और कैपेसिटर का प्लस पॉइंट मैंने यहां पर पहले लेग पे लगाया है, ये देखिए माइनस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहां पर रख देते हैं, और अब इस सर्किट में हम ये ऑक्स केबल यहां पर कनेक्ट करेंगे सर्किट में। तो फ्रेंड्स, इस ऑक्स केबल की मदद से ही हम यहां पर इस एम्पलीफायर को मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर से भी, और लैपटॉप से भी। आप जिस चीज से भी चाहिए, इस एम्पलीफायर को इस ऑक्स केबल की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑक्स केबल को इस एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस ऑक्स केबल में आपको 3 तार नजर आ रही है, हरा, काला और पीला। तो ये जो पीला वाला वायर है, ये इसका ग्राउंड है, यानी नेगेटिव, और ये जो 2 तार है, ये स्पीकर के वायर है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो फ्रेंड, ऑक्स केबल के इस माइनस वाले वायर को, यानी नेगेटिव को, हम इस एम्पलीफायर की लास्ट वाली लेग से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इस वाले वायर को भी यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं, दोनों वायर मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। ये देखिए, स्पीकर का वायर, और ये रहा इसका माइनस वायर, ठीक है। और फ्रेंड, ये भी इसका स्पीकर का वायर है, आप चाहे तो इसे भी यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन फ्रेंड इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही बच जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसे भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, एम्पलीफायर हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए इस हीट सिंक पे हम ये आईसी को लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मेरे पास स्क्रू है, तो हम इसकी मदद से यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसको इस तरीके से कस देंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हीट सिंक भी हमारी लग चुकी है। तो फ्रेंड, अब इस एम्पलीफायर में हम इस स्पीकर को जोड़ेंगे, क्योंकि आउटपुट हमें इसी स्पीकर से मिलेगी। तो ये देखिए, स्पीकर के दोनों वायर है, तो मैं स्पीकर को यहाँ रख दे रहा हूँ, और स्पीकर का एक वायर, हम एक कोई भी वायर हम यहाँ पर एम्पलीफायर के बीच वाले वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करने हैं। ये देखिए, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो ऊपर से। तो फ्रेंड, देख सकते हैं, स्पीकर का मैंने एक वायर मैंने एम्पलीफायर के बीच वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, बीच वाली लैग से। और अब फ्रेंड, स्पीकर का जो दूसरा वायर है, ये वाला, तो ये वाला वायर हम बैटरी के साथ सीधा कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के प्लस पॉइंट के साथ में। ये देखिए, प्लस पॉइंट, ये माइनस, तो बैटरी के प्लस पॉइंट के साथ में सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है, ये देखिए, यानी 3.7 वोल्ट की। तो इसमें हम यहाँ पर 2 बैटरी लगाएंगे,
तो इस तरीके से हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे बैटरी को, तो उससे हमें यहाँ पर 7 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो उस 7 वोल्ट होने की वजह से ये और भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इन बैटरी को पहले हम यहाँ पर इस स्पीकर के साथ में जोड़ लेते हैं और फिर इन्हें सीरीज में करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्लस पॉइंट, तो यहाँ पर मैं इसका वायर लगाने जा रहा हूँ, तो चलिए इसको लगा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसे इस तरीके से रख दे रहा हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखिए माइनस, तो इस बैटरी का हम यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर जोड़ लोगे। तो चलिए यहाँ पर प्लस के साथ में मैं यहाँ पर इस तरीके से सोल्डिंग कर देता हूँ दूसरा एक छोटा सा वायर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब हम यहाँ पर ये हमारा माइनस है तो हम माइनस के साथ में इस बैटरी का प्लस को जोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगा ये देखिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए माइनस और ये प्लस, तो इस तरीके से हमारा सीरीज बन गया है और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस प्लस और अब यहाँ पर माइनस। तो फ्रेंड चलिए इस बैटरी के माइनस वायर को हम यहाँ पर एम्पलीफायर के लास्ट वाली पिन से जोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमें एक वायर की जरूरत पड़ेगी जो ये रहा, तो इस वायर को हम यहाँ पर सबसे पहले एम्पलीफायर में यहाँ पर इसकी तीसरी लैग पे जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आसानी से ये जुड़ जाएगा। ये देखिए जोड़ दिया, अब यहाँ पर ये जो बैटरी का आपको ये दिख रहा है माइनस पॉइंट, तो इसके साथ में यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये भी मैंने आसानी से जोड़ दिया। तो फाइनली फ्रेंड एम्पलीफायर हमारा बन करके तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये मोबाइल है, तो ये देखिए मेरी वीडियो यहाँ पर मैंने प्ले की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए ये जो ऑक्स केबल है ये वाला, तो इसे मैं यहाँ पर मोबाइल में लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने लगा दिया है, अब हमें बस ये प्ले करनी है और यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुनना। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए इस मोबाइल को मैं यहाँ पर आपको रख करके दिखा दूँ। ये देखिए मोबाइल मैंने रख दिया और स्पीकर हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बजा करके दिखा दूँ, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी और ये मेरी वीडियो चल रही है। तो चलिए मैं इसकी आवाज़ बढ़ा करके आपको दिखाऊँ। MDF बोर्ड के काट के रखे हुए हैं, तो वैसे इन टुकड़ों का कोई फिक्स साइज नहीं है, आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कैसे भी काट सकते। चलिए गाइस इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड मैं इसकी आवाज़ कम कर दी है और सर्किट हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए परफेक्टली हमारा सर्किट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इसको मैं साइड में लेकर के आपको दिखा दूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ये आईसी, एक ही आईसी से हमारा ये पूरा सर्किट बज रहा है। तो चलिए मैं इसकी आवाज़ आपको दोबारा करके दिखा दूँ, ये देखिए। और ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड इसकी फुल आवाज़ है। तो चलिए फ्रेंड मैं कोई और सी वीडियो आपको प्ले करके दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं सारी वीडियो मेरी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एम्पलीफायर बनाया था, तो इसके मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये तो देखिए पहले देख लेते हैं, एक हमें इस तरह की एक हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी, ये एल्युमिनियम की प्लेट होती है गाइस। तो फ्रेंड देख सकते हैं सर्किट हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और आवाज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है और एकदम साफ आवाज़ है, जरा सी भी फटी सटी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड एक ही आईसी से आप बहुत ही अच्छा सा एक एम्पलीफायर घर पे बना सकते हो और इसे बना करके आप ज़रूर देखना, ये बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है और इसे बहुत ही आसानी से आप घर पे ही बना लोगे। तो इसमें 3-4 कंपोनेंट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लोगे। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये सर्किट आपको बहुत अच्छा लगा है और इसे बना करके आप घर पे ज़रूर देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लोगे। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो का लाइक कीजिएगा और फ्रेंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आगे आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। और दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी और भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और मेरी हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।